वेलकम टू माय क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ स्टेटिस्टिकल फंक्शंस गिवन टू अस। हियर ए लिस्ट ऑफ सम ऑफ द स्टेटिस्टिकल फंक्शन इज गिवन ऑल फंक्शन लिस्टेड हियर आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लेट अस स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एविएशन डॉट एस फंक्शन डॉट एस मीन्स सैंपल फंक्शन स्टैंडर्ड डेवियशन एस टी डी ईवी डॉट एस फंक्शन आइएगा मूव करते हैं इस फंक्शन की तरफ एस टी डी ईवी डॉट एस सबसे पहले तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सिंपल मीनिंग देखते हैं द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ हाउ वाइडली वैल्यूज आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द एवरेज वैल्यू हम स्टैंडर्ड एविएशन फंक्शन के थ्रू इस बात को जानना चाहते हैं कि जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं ये एवरेज से कितनी दूरी के ऊपर हैं एवरेज से कितनी हटकर हैं हम इस बात को जानना चाहते हैं इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है एस टी डी ई वी डॉट एस दिस फंक्शन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एविएशन बेस्ड ऑन सैम्पल पॉपुलेशन गिवन एस आर्गूमेंट हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट पॉपुलेशन नहीं दी गई बल्कि हमें पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल दिए गए हैं उसके बेसिस के ऊपर हमने स्टैंडर्ड एविएशन को कैलकुलेट करना है बट इसके अंदर याद रखेंगे इट इग्नोरस लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट अगर कोई लॉजिकल वैल्यू ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में अंदर दी गई है या कोई टैक्स दिया गया है तो ये उसको कंसिडर नहीं करेगा स्टैंडर्ड एवियेसन डॉट एस एस टी डी ई वी डॉट एस इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या है एस टी डी ई वी डॉट एस के अंदर हम आर्गूमेंट देंगे नंबर्स का एक नंबर मैंडेटरी है बाकी के नंबर इसके अंदर ऑप्शनल है मैं इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस ऑलरेडी जनरेटेड स्ट्रक्चर को यूज करूँगा इस स्ट्रक्चर को इसलिए बना दिया गया सो दैट वीड मे नॉट वेस्ट अवर टाइम यहां पर मेरे पास चार कॉलम्स दिए गए हैं द फर्स्ट कॉलम इज ईयर सेकेंड इज परसेंटेज डिविडेंड द थर्ड इज एक्स माइनस मीन एंड द फोर्थ कॉलम इज एक्स माइनस मीन का होल स्केयर हमें इन वैल्यूज को भी कैलकुलेट करना है और यहाँ पर कुछ वैल्यूज को देना भी है तो सबसे पहले ईयर के केस के अंदर मैं ये आर्बिट्रेरी बेसिस के अंदर ईयर के नंबर ले रहा हूँ टू थाउजेंड ट्वेल्व टू थाउजेंड थर्टीन मैंने ये दो नंबर ले लिए दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया एंड इट कम्स अप टू लेट्स टेक इट टू बी 2021 2012 ट्वेंटी वन से लेकर टू तक नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज डिविडेंड मैं परसेंटेज डिविडेंड के केस के अंदर भी आर्बिट्रेरी परसेंटेज की वैल्यू को टेकअप कर रहा हूं फोर्टीन परसेंट सिक्सटीन परसेंट द नेक्स्ट वन थर्टीन परसेंट ट्वेल्व परसेंट नाइनटीन परसेंट 14% परसेंट टू के अंदर सेवनटीन परसेंट टू के अंदर एलेवन परसेंट देन अगेन ट्वेल्व परसेंट इन द लास्ट अगेन ट्वेल्व परसेंट मेरे पास इन सभी सालों का ये परसेंटेज डिविडेंड आ गया मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि हमने कितने ईयर्स लिए हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए इस जगह के ऊपर मैं काउंट फंक्शन को यूज करूंगा काउंट काउंट फंक्शन के अंदर मैंने ये सारे ईयर्स के नंबर दे दिए क्लोज आई प्रेस प्र मेरे पास यहां पर एक नंबर निकल कर आ गया दैट इज टेन ये टेन नंबर मेरे पास आ गया हमने इसके लिए इस फंक्शन को यूज किया है सेकेंड केस के अंदर मुझे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया गया है मैं इनकी एवरेज को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां पर मैंने एवरेज फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया पेरेन्थीसिस स्टार्ट मैंने डिविडेंड की कंप्लीट रेंज को दे दिया बी फोर टू बी थर्टीन पेरेंथीसिस क्लोज आई प्रेंट्रा मेरे पास यहां पर एवरेज डिविडेंड आ गया हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है आपके रेफरेंस के लिए मैं फंक्शन नीचे दे रहा हूं अब हमें डेवियेशन को टेकअप करना है एक्स माइनस मीन मीन हमारे पास 14 आ चुका है और मुझे यहां से डिविडेंड से डेविएशन को टेकअप करना है ये जो हमें डिविडेंड की वैल्यू दी गई है दिस इज एक्स नाउ आई वॉन्ट टू टेकअप द डेविएशन इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन क्योंकि मुझे नीचे ड्रैग डाउन करना है तो ये मीन की रेफरेंस चेंज हो जाएगी ये रेफरेंस चेंज ना हो इसको एब्सल्यूट करने के लिए मैंने F4 को प्रेस कर दिया आई प्रेस enter मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई जीरो मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास यहां पर सभी का डेविएशंस निकल कर आ गया डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डेविएशंस आर इक्वल टू एक्स माइनस मीन इस जगह के ऊपर मैं इन डेविएशंस का स्क्यर लूंगा इक्वल्स टू सी फोर मल्टीप्लाइड बाय सी फॉर वंस अगेन आई गेट दैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्र ये मेरे पास डेविएशंस का स्केयर आ गया इस जगह के ऊपर मैं सम फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं सम डेविएशन के स्क्वायर का मैं सम ले रहा हूं वैल्यू इज सिक्सटी हमने इस केस के लिए इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहां पर यूज किया है दिस इज डेविएशन स्क्वायर सो यहां पर हमारे पास डेविएशन का स्क्वायर आ गया हम यहां पर एक डिफरेंट तरह से भी फंक्शन को टेकअप कर सकते थे दिस इज इक्वल टू सी फॉर कैरेट टू आई प्रेसेंट आई विल गेट द सेम वैल्यू हेयर आप देखिएगा कि हमारे पास सेम वैल्यू यहां पर आ गई हमने जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं ये आपकी मर्जी है आप इन दोनों में से कोई भी फंक्शन को फॉलो कीजिए यहां पर यह दोनों फंक्शन हमें सेम वैल्यू जेनरेट करके देंगे अब मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर चीज को दो तरीका से करूंगा एक स्टेट्सकली और दूसरा एक्सेल के जरिए आइएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेल के साथ स्टूडेंट स्टैंडर्ड एविएशन फ्रॉम सैंपल के, के केस के अंदर मैं यहां पर आपके सामने एक्सेल के अंदर इस फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं यहां पर मैं सिंपली इस फंक्शन का नाम दे रहा हूं डॉट एस इस जगह के ऊपर मैं कैलकुलेशंस करूंगा इक्वल्स टू एस टी डी ई वी डॉट एस नंबर नंबर के केस के अंदर ये कंप्लीट डिविडेंड की मैंने रेंज दे दी बी टू बी थर्टीन Close, I press enter. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू जेनरेट हो गई 2.582 पॉइंट फाइव एट टू ये वैल्यू हमें एक्सेल के स्टैंडर्ड एविएशन फ्रॉम सैम्पल इस फंक्शन ने निकाल के दी है स्टेटिस्टिकली इस फंक्शन को प्रूव करने के लिए मैं इस जगह के ऊपर रिजल्ट को टेकअप कर रहा हूँ यहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर यह फार्मूला दिया गया है जिससे हम स्टैंडर्ड एवियशन फ्रॉम सैंपल को कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वल्स टू एस क्यू आर टी पेरेंथेसिस स्टार्ट नाउ सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर दिस इज द वैल्यू गिवन टू अस हियर ये हमारे पास वैल्यू है डी14 के अंदर डिवाइड बाय n 1 मेरे पास n की वैल्यू इस फंक्शन ने दी है मैं इसी फंक्शन को एक बार ही यहां पर दोबारा से लिख देता हूं count function, parenthesis start, this is from a4 to a13, parenthesis close, minus 1 parenthesis close. Student ध्यान देंगे, ये जो parenthesis दमने close किया है, ये count function का parenthesis close हुआ है. sqrt का भी parenthesis दमने close नहीं किया. अब मै लास्ट पेरेंथिस एसक्यू आर टी का क्लोज कर रहा हूं आई प्रेसेंट आई गॉट द सेम वैल्यू हेयर। तो जो रिजल्ट हमें एक्सेल के एस टी डॉट एस फंक्शन ने दिया सेम आंसर हमें स्टेट यहां पर हमने प्रूव कर दिया बोथ दीज वैल्यूज आर सेम मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स अब फंक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आप एक्सेल के द्वारा भी इसको जेनरेट कर सकते हैं और स्टेटिस्कली चाहे तो इस पर्टिकुलर एक्सेल फंक्शन को वेरीफाई भी कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच